लेकिन रजौरी के अंदर सबसे ज्यादा स्टार्टिंग और मैं मानता हूँ जब सुबह के अंदर होती है, लेकिन जगह ना होने की वजह से सेंक्शन प्रोजेक्ट आज चौथे साल में इस वक्त हमारी काउंसिल है, लेकिन हम वो कहीं इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। ये कुछ खामियाँ हैं हमारे अंदर। मैं ये समझता हूँ कि रेवेन्यू साइड के लोगों को ये इमीडिएटली फुलफिल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ शहर की, लोगों की और हमारे इस समाज की ज़रूरत है, और इनको ना फुलफिल करने के साथ साथ मुझे ये लगता है जैसे हम जिक्र करते थे अभी गाजीपुर का, जैसे हम जिक्र करते हैं काफ़ी नाइजीरिया का या बड़े सिटीज़ का, तो जिन लोगों ने वक्त के साथ साथ अपने आप को उसी हिसाब से डाला, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, या बड़े जो कुछ गलत कंट्रीज हैं, तो जो लोग जो मुल्क नहीं कर पाए, तो वो आज एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे उनको बता रहे थे हमारे एक्सपर्ट। हम भी ये कोशिश करेंगे और कोशिश होनी भी चाहिए कि सारे जितने भी यहाँ के डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे मिलें, मिलकर म्यूनसिपलिटी के साथ और यहाँ के लोगों के साथ, सैनिटेशन वर्कर्स के साथ, अपने अपने एम्प्लॉइज़ के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाएँ, ताकि हम एक बेहतर रिकवरी बना सकें। मैं एक बार फिर एसएसपी साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और एक प्राउड महसूस करता हूँ कि ये हमारे यहाँ के हमारे कुछ के लोकल्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से और बड़े ब्यूटीफुली ये हमारे इलाके के काज में आगे आते हैं। समाज के हर तरह के सोशल काम को मैंने नई जगहों पर इनको देखा है, जैसे रजौरी का अगर डेवलपमेंट सेक्टर में आपको बात नहीं है हम बनाएंगे, तो मेरे ख्याल में इतने प्रोजेक्ट जिस वक्त हमारे पास काम चल रहा है, या 2019 में जब मैं सुकून में था तभी देखता था अकेडमी में कि जो खड्डे हमारे शहरों के अंदर हमें नजर आते थे वो आज भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे आने के बाद वो खड्डे खत्म हो गए, वो खड्डे खत्म होने की एक स्कीम थी गवर्नमेंट की, लेकिन वो स्कीम जो है उसकी एग्जीक्यूशन